नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि ईपीएफओ के पास इस समय कितना कॉर्पस फंड है और ये 5 साल में कितना गुना यहाँ पर जो है हुआ है। एक खबर की यहाँ पर माने तो ईपीएफओ के पास इन्वेस्टमेंट कॉर्पस फंड 17% बढ़कर 21 लाख करोड़ रुपए तक यहाँ पर पहुंच चुका है। हाल ही में कुछ साल में सदस्यों की संख्या बढ़ने से कॉर्पस फंड में भी यहाँ पर इजाफा हुआ है। आइए पहले इस खबर को जानते हैं, फिर इसका विश्लेषण यहाँ पर करते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के इन्वेस्टमेंट कॉर्पस की कुल राशि बीते वित्त वर्ष 2022-23 में 16.7% के हिसाब से बढ़कर 21.36 लाख करोड़ रुपए यहां पर हो गई है। यहीं पर ये राशि 2021-22 में 18 लाख करोड़ रुपए थी। इस तरह से पिछली बार इसमें जो है 26% तक की यहां पर बढ़ोतरी हुई थी। ईपीएफओ के ड्राफ्ट एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक बीते 5 साल में इस सामाजिक सुरक्षा संगठन में जो इन्वेस्टमेंट कॉर्पस फंड है वो जो है डबल यानी कि दोगुना यहाँ पर हो चुका है। वर्ष 2018-19 में कॉर्पस की राशि 11.14 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर थी, जो कि अब यहाँ पर 2022-23 में बढ़कर 21 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है। इस इन्वेस्टमेंट कॉर्पस फंड में 21.36 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से 13 लाख करोड़ एम्प्लॉय प्रोवाइडेंट फंड के, 7.7 लाख करोड़ एम्प्लॉयज पेंशन फंड के और 41,062 करोड़ एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंकेड इंश्योरेंस स्कीम के है। ईपीएफओ ने बीते वित्त वर्ष में अपने फंड का ज्यादातर हिस्सा स्टेट डेवलपमेंट लोन में निवेश किया है। वहीं केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में 17%, सरकारी कंपनियों के कॉर्पोरेट बॉन्ड में 15%, वहीं केंद्र सरकार के पब्लिक अकाउंट में 10% तक निवेश किया है। तो कुल मिलाकर इस रिपोर्ट की यहां पर माने तो ईपीएफओ के पास जो इन्वेस्टमेंट कॉर्पस फंड है वो 5 साल में यहां पर दुगना हो चुका है। लेकिन वहीं पर 5 साल में क्या पेंशन धारकों की पेंशन दुगनी हुई है? क्या पीएफ खाताधारकों के अकाउंट में रखा हुआ पैसा दुगना हुआ है? क्या पीएफ खाताधारकों को ब्याज पर जो पैसा मिलता है वो दुगना हुआ है? नहीं, ना ही यहाँ पर पेंशन धारकों की पेंशन में कोई इजाफा हुआ है, ना ही पीएफ खाताधारकों को जो ब्याज मिलता है उस ब्याज में कोई इजाफा हुआ है, ना तो उनका जो पैसा यहाँ पर सरकार के पास है उसमें कोई इजाफा हुआ है। केवल सरकार के पास जो कॉर्पस फंड है उसमें यहाँ पर जो है दुगना की वृद्धि हो चुकी है। जब सरकार को 5 साल में यहाँ पर जो है दुगने पैसे मिल रहे हैं, 5 साल में ईपीएफओ के पैसे डबल हो रहे हैं, तो कर्मचारियों के और पेंशन धारकों के पैसे यहाँ पर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? बस यही सवाल जो है इस रिपोर्ट को देखकर मेरे मन में उठा था, जिसे जो है मैं आपके बीच में यहाँ पर छोड़ता हूँ। और आप कमेंट करके बताइए कि आखिर जब ईपीएफओ के पास इतना पैसा है और पिछले 5 साल में ईपीएफओ ने यहाँ पर अपने पैसे को दुगना किया है, डबल किया है, तो पीएफ खाताधारकों की पेंशन और पीएफ खाताधारकों को जो ईपीएफओ के पास पैसा है या पीएफ खाताधारकों को जो ब्याज की राशि मिलती है वो यहाँ पर दुगनी क्यों नहीं हुई है? आप अपने अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये वीडियो, ये जानकारी, ये खबर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस न्यूज़पेपर के कटिंग आप एम्प्लॉय खबर के टेलीग्राम ग्रुप से यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।